तो आज हम करेंगे दोस्तों प्रेशर जैक रिपेयर 50 टन का। तो ये देखिए बिल्कुल चालू नहीं है जैक, और पूरी डिटेल मिलेगी इस वीडियो में। जो मेरे भाई प्रेशर जैक से दिक्कत में रहते हैं, परेशानी रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास तौर से बनाई गई है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखें। और ये जैक बिल्कुल ओके करके दिया है आपको, बने रहिए इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है 50 टन का प्रेशर जैक जो हम गाड़ियों के नीचे लगाते हैं टायर खोलने के लिए, और मतलब इसे आज हम करेंगे रिपेयर और आपको बताएंगे भी कैसे रिपेयर है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। तो बन रही है आप इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, जो मेरे भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको भी दिखाते हैं और बताते हैं। तो दोस्तों, इसको खोलेंगे सबसे पहले, और इसको खोलना मैंने स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, जैक खोलने से पहले उसमें प्रॉब्लम देखना बहुत ज़रूरी है, भाई जैक में क्या प्रॉब्लम है, कहीं से लीकेज है या मेन किट लीक है या जैक उठने में दिक्कत कर रहा है या क्या है, क्योंकि जैक को देखना और सब कुछ पहचानना, क्योंकि दोस्तों मुझे भी 22-23 साल हो गए, मतलब प्रेशर जैक भी मैंने 99 या 2000 से स्टार्ट कर दिए थे। उस टाइम मुजफ्फरनगर में सिर्फ एक या दो जाने थे जो जैक करते थे। तो जैसे जैसे आप काम को करते चले जाओगे, आपको वैसे ही नॉलेज आती चली जाएगी चीज़ की। लेकिन अब तो हमें पता है भी कहाँ से क्या प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को ही हम पहले मतलब देखेंगे और ओपन करेंगे। तो जैक में दोस्तों ये प्रेशर नहीं बना रहा जैक बिल्कुल भी। वेलकम बैक टू आर चैनल गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, मैं आपका अपना अजीत सिंह, क्या हाल है आप सबके, आई हो बढ़िया योगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों, ये प्रेशर नहीं बना रहा था जैक, और इसमें सबसे पहले इसका पंप खोल के देखेंगे भी प्रेशर मतलब तेल क्यों नहीं आ रहा। पहले आप जैक में ऑयल चेक कीजिए, इसके अंदर ऑयल है ऑलरेडी, तो तेल मतलब उठा नहीं रहा जैक। तो इसका पंप खोल के चेक करेंगे, कोई अंदर से गोली वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसमें गोली में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों अगर हवा भर भी थोड़ा सा भी कोई, जो हम इसके अंदर वाल डालते हैं रबड़ की होती हैं, अगर वो भी हल्की सी फंस जाए ना थोड़ी सी बाल बराबर, तो तब भी इसका मतलब प्रेशर नहीं बनता या प्रेशर बनाता नहीं जैक, काम नहीं करता। तो वो गोली निकाल कर उस चीज़ को ओके करिए, और जो चीज़ है, और इसके अंदर से जो सारी लाइनमेंट होती है गोलियों की, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका जैक काम करेगा। तो ये मैंने ओपन कर दिया है। अब साइड की रिलीफ वाल वो भी ओपन करेंगे, उसमें भी देखेंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, तो इसको उठाकर देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सिर्फ पंप करने से ही मेरा जैक उठ गया है, ठीक है। लेकिन इसको पूरा ओवरहाल चेक करेंगे, जब हमारे पास कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर आया जैक, तो उसको पूरा करने का हमारा, देखो हमारा कर्तव्य है कि हम उस जैक को पूरा तसल्ली के साथ करें। तो रिलीफ वाल भी हमने चेक की है, गोली ओके है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फालतू थोड़ा बहुत जो तेल होता है उसको निकाल दीजिए। तो ये दोनों चीज़ ओके हो गई हैं, उसके बाद इसकी मेन किट खोलेंगे। तो जैसा भी आप बन रही है इस वीडियो में, तो काफ़ी टाइम से मतलब मुझे मैसेजेस आ रहे थे दोस्तों कि सर आप एक प्रेशर जैक की वीडियो भी बनाएं। तो ये वीडियो खास तौर से उन भाइयों के लिए हैं जो कई बार मतलब दिक्कत परेशान हो जाते हैं जैक को करके। मुझे कई बार उनके मैसेज भी आए और फ़ोन भी आए। तो ये देखिए जैक दोस्तों उठने लग गया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जैक तो उठने लग गया है, लो इसकी किट वगैरह भी डाल देंगे। तो दोस्तों ये मैंने निकाल लिया है, और किट भी देखेंगे इसकी। ऊपर से तेल तो इतना नहीं आ रहा, क्योंकि किट की पहचान ही ऐसे होती है, अगर ऊपर मेन किट में से तेल आ रहा है तो किट मतलब इसकी डालनी ज़रूरी हो जाती है, और ऊपर से तेल नहीं आ रहा था। इसमें जैक में यही प्रॉब्लम थी कि जैक काम नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया, और वो पंप मारने पर नहीं चल रहा था। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, जो उसमें दिक्कत थी मैंने जो लाइनमेंट थी इसकी सारी गोलियों की, वो मैंने ओके कर दी है। तेल इसका निकाल लेंगे दोस्तों अंदर से बिल्कुल साफ करके, तब इसको करेंगे, उसकी किट डाल के इसको करेंगे फिटिंग। अब कई हमारे यूट्यूबर ऐसे हैं या कई अपने भाई ऐसे हैं कि जैक को उसको पूरे को प्रॉपर धोएंगे, एक एक चीज़ खोलेंगे। तो देखो दोस्तों, अब अंदर मतलब कुछ समझ आए ना, और मैं ऊपर से धो के और उसे ऐसे ही फिट कर दूं, तो देखो वो चीज़ की क्वालिटी और वो बंदे का काम एक्सपीरियंस काम नहीं आता। अब मैं उसको धो भी दूं और एक एक चीज़ को अच्छी तरह साफ़ करके उसमें डालूं, तो सबसे पहले पॉइंट पकड़ो भी जैक के अंदर पॉइंट क्या है, मतलब दिक्कत किस चीज़ को करके है। कई बार लीकेज करता है तो आप किट बदलो, और अगर कहीं से पंप से लीकेज आया तो पंप बदलो या उसकी किट बदलो पंप की, या कई बार ऑयल नहीं होता तो ऑयल चेक कीजिए,
कहीं से कोई दिक्कत परेशानी है पहले वो काम कीजिए, उसके बाद सारा जैक आप रिपेयर करिए। धोने को पहले हम भी आज से 10-12 साल पहले हम भी एक एक चीज़ पहले खोल के और धोते थे, लेकिन तो जो मतलब जहाँ मैंने काम सीखा था पंजाब में, और मतलब हमारे चाचा जी हैं मतलब वो जैको का ही काम करते हैं, आज भी करते हैं। मतलब आज से लगभग 18-19 साल पहले मैं वहाँ गया था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीना लगाया था उनके पास, तो उसके बाद से अब तक तो मैं खैर खुद ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो भी इसमें दिक्कत परेशानी है सबसे पहले आप वो कीजिए, और उन्होंने मुझे बताया कि जो मेन पॉइंट है सबसे पहले वो करिए आप, उसके बाद जैक को पूरा ओवरऑल करिए। तो जो मैंने चीज़ करनी थी वो स्टार्टिंग में मैंने दोस्तों जैक चालू किया, इसकी पंप की ये देखिए, ये पंप की वाल जो इसमें डली हुई थी वो थी मतलब कि प्लास्टिक वाली। दोस्तों इन जैकों में प्लास्टिक की वाल बिल्कुल काम नहीं करती, बिल्कुल थर्ड क्लास है। आप रबड़ की लीजिए, बट रबड़ अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी की, नहीं तो रबड़ अपनी मार्केट में ऐसी बहुत चलती हैं जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी हैं, मतलब एक बारी में ही कट जाती है। तो ये मैंने कुछ स्पेशल किट्स अपने पास रखी हुई हैं जो इसमें हम रेगुलर डालते हैं, जब भी कोई किट वगैरह डालनी होती है प्रेशर जैक की, तो ये इसमें डालेंगे और इसको करेंगे रिपेयर। तो जो इसकी मेन किट है उसको भी बाद में चेंज किया जाएगा, और इसके बाद इसको करेंगे पंप को चालू ऑयल डाल के, क्योंकि दोस्तों जो मेरा काम है प्रेशर जैक का भी है, बट ये साइड अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं प्रेशर जैक रिपेयर कर देता हूँ, क्योंकि गाड़ी वाले फुर्सत ही नहीं लेने देते। और इसमें दोस्तों मैंने सामान सारा अपने पास ही रखा हुआ है, क्योंकि जो क्वालिटी का सामान है हमें स्पेयर पार्ट की दुकान से वैसा नहीं मिलता जैसे हम चाहते हैं। तो ये मैं दिल्ली से जाकर जब भी मुझे कभी टाइम मिलता है या कहीं मैं फंक्शन में इधर उधर जाता हूँ तो उसमें से 1-2 घंटा निकाल के हम अपने लिए सामान भी ले आते हैं। और इसमें दोस्तों जो सामान डलता है हम अपने पता है भी हमने क्या डालना है क्या नहीं, और जो दोस्तों इसके अंदर किट डली हुई है वो हम किट निकालेंगे और दूसरी डालेंगे। वैसे ये किट मैं चलाने को मैं चला सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखिए इसमें रिंग वाली किट है दोस्तों, अभी दिखाता हूँ आपको, मैं कहीं ना कहीं चला सकता था क्योंकि ऊपर से लीक नहीं थी। तो मैंने सोचा इसमें किट दूसरी डाल देते हैं, चलो जब खुल ही रहा है तो नई चीज़ डालेंगे बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको किट दिखाता हूँ, ये रिंग वाली किट है दोस्तों। मैंने पहले भी अपनी 1-2 वीडियो डाली थी प्रेशर जैक की, उसमें मैंने बताया था कि आप ये रिंग वाली किट डालें, बहुत बढ़िया किट है। उधर थी मेरे पास ये पीस ख़त्म हो रहा था, इसलिए फिर मैं इसमें दूसरी किट डालूंगा, बट इस जैसी रिंग किट अगर आपको मिल जाती है दोस्तों तो उससे बेटर कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने पूरी क्वांटिटी हर साइज़ की मतलब जैक से रिलेटेड जितने भी किट्स हैं मैंने सब अपने पास रखी हुई हैं, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कई क्या करते हैं जी, किट ले आओ, मोलर ले आओ, आप ये सामान ले आओ, वो ले आओ, तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सामान मेरे पास सारा अवेलेबल होता है। तो जो सबसे बेस्ट है वो इसमें किट डालेंगे हम, और वैसे तो वो रिंग वाली में सबसे पहले मतलब चॉइस है मेरी, लेकिन कुदरती मैं वही चेक कर रहा था, बट इसमें रिंग वाली मिली नहीं, तो नॉर्मल इसमें जो रबड़ की अच्छी वाली है वो इसमें हम डालेंगे। इसका साइज़ का नंबर है 45-70-20, तो इसको हमने दोस्तों डाल दिया, अब करेंगे हम फिटिंग। तो दोस्तों जब भी आप प्रेशर जैक करवाएं और उसको रिपेयर करवाने के बाद जब भी आप उसे चलाएं, और इसको दोस्तों वो भी आपको बताता हूं कि कैसे चलाना है, और दोस्तों इसको चेक कराने जब भी आप किसी मिस्त्री से कराएं तो उनको कहें कि आप चेक करा कर दें जैक, क्योंकि चेक करने से ये हो जाता है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मिस्त्री के सामने ही उसमें दिक्कत परेशानी पता लग जाएगी, जैसे कि हम एंड में चेक करेंगे, आप बन रही है इस वीडियो में एंड तक आपको पता लगेगा। तो दोस्तों इसमें मैंने किट डाल दिया है और इसको करेंगे हम फिट। और दोस्तों एक छोटी सी बात और, जैक आपके पास कैसा भी है और बड़ा है छोटा है कोई भी है, आप उसमें 3 चीज़ों का परहेज करेंगे तो जैक आपका बहुत बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और वो 3 चीज़ें हैं, एक तो मिट्टी और एक पानी और एक ग्रीस, ये 3 चीज़ों के सेवन से इसको दूर रखें, मतलब इसके लिए प्रेशर जैक के लिए जहर है वो। अगर पानी चला गया तो जंग लग जाएगा, मिट्टी और ग्रीस चली गई तो वो एमरी बन के वैसे ही मतलब ख़त्म कर देगा जैक को। तो ये 2-3 चीज़ों से थोड़ा दूर रखना पड़ता है। और जैक में कभी भी आप सर्विस कराते हो गाड़ी की, पानी लगता है तो जैक को आप बाहर निकालिए, या कोई भी प्रॉब्लम है जैक पर पानी वगैरह मिट्टी ग्रीस ये 3 चीज़ों से दूर रखें, बिल्कुल ना लगने दें, तो जैक आपका बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ये दोस्तों मैंने जैक कर दिया है बिल्कुल फिट, और इसको करेंगे एंड में चेक। और जो दोस्तों चेक करना बहुत ज़रूरी है, कई कहते हैं सर आप चेक क्यों करके दे, भैया चेक इसलिए करके देते हैं हम क्योंकि उसमें अगर कोई दिक्कत परेशानी है, मैंने चालू कर दिया जैक, अब ये देखिए मैं चालू करके आपको भी दिखाऊंगा, जैक ओके हो चुका है, लेकिन एक बारी कई बार क्या होता है लोड नहीं लेता जैक, आधा चलता है आधा नहीं चलता, और उसमें भी दिक्कत होती है। तो ये देखिए मैंने आप चेक किया है जैक,
जैक सही चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट एक बार चेक करना हमारा फर्ज है, कोई लीकेज तो नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम करेंगे जैक को चेक, क्योंकि कैसे भी आप चेक करो, गाड़ी के नीचे चेक कर लो, हमारे पास प्रेस मशीन है, तो हम प्रेस पे ही चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है तो, क्योंकि इससे दोस्तों पता लग जाए कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है या जैक काम कर रहा है प्रॉपर। अगर कहीं से लीकेज होगी तो जब इस पर प्रेशर आएगा तो एकदम लीकेज मतलब हम बंद कर सकते हैं और पता लग जाएगा हमें। और ये देखिए दोस्तों, वही बात हुई। और दोस्तों चेक करते करते ये पंप के नीचे से, मैंने पंप खोला था तो टाइट तो पूरा कर दिया था, बट यहाँ से ये लीक कर रहा है, तो इसकी लीकेज करेंगे बंद। अब देखो, मैं अगर जैक ऐसे दे देता दोस्तों तो बेचारा वो ड्राइवर साहब मुझे भी कहता यार पाजी से जैक भी करवाया और वो दिक्कत परेशानी है। तो अभी इसको लगे लगाए पर पूरा टाइट कर दिया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो इसलिए जैक चेक करना चाहिए। और दोस्तों एक छोटी सी और बात बताता हूँ आपको, चलते चलते काम तो हो गया है, जैक को जब भी लगाएं आप गाड़ी के नीचे पूरा लगाएं, कि जितना मैंने ये जैक चेक करने के लिए उठा रखा है इतने में गाड़ी आपकी लोड हो चाहे खाली हो, इतने में जैक उठ जाना चाहिए। जितना जैक आप कम उठाओगे, कम यूज़ करोगे, उतना जैक आप बढ़िया चलाओगे और बढ़िया चलेगा आपके पास। तो जैक देखिए बिल्कुल दोस्तों लीकेज थी इसकी, वो बंद कर दी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप दोस्तों जब भी जैक लगाते हो तो नीचे गुटका मोटे से मोटा लगाएं या पतला, जितना भी उनको चाहिए, मतलब जैक के नीचे जितनी ज़रूरत है, तो जैक चलेगा बढ़िया। तो जैक देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय 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 और बाय बाय।